उसका भी ट्रांसमीटर से तुम्हारे ड्रोन का मतलब कंट्रोल होगा और मेरे से भी कंट्रोल होगा सेम, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ी चाहिएगा, सेम ग्राउंड में चाहिएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो होगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कौन क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मॉडल आप लोग अपना एक अलग से मॉडल ले लो जो कि तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट यूज मतलब अलग करने के लिए यूज हो रहा था, मोटा मोटी तौर पर ये बता रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी जैसे कि इन टू इन इनक्राइप्ट कुछ ऐसा हो रहा होगा, इन टू इन इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड हो रहा होगा सिग्नल, सिग्नल इन टू इन इनक्रिप्टेड मतलब ये ट्रांसमीटर, मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रांसमीटर सिर्फ और सिर्फ इसी रिसीवर को सिग्नल दे, ठीक है। हाँ हाँ सही बात, ठीक है। तो मैंने सपोज मान लो कि ये मॉडल 5 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कैंसिल बटन को प्रेस किए रहना तुम्हारा मॉडल सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कर रहे हैं अभी मैंने बता दिया। नेक्स्ट चीज आएगा आपका डाउन करना मॉडल नेम, मॉडल नेम में क्या होगा कि मैं जा रहा हूँ कि अपना ट्रांसमीटर, अब 10-15 ट्रांसमीटर तुम्हारा यहीं पर रख दिया गया, तुम्हारा ट्रांसमीटर इसमें से बोलेगे चलो बाबू अपना भाई ट्रांसमीटर निकालो, कौन है निकल पाओगे नहीं निकल, कैसे पता, सभी बाहर तो दिखने से अपना मॉडल का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मॉडल नेम क्लिक कैंसिल बटन को प्रेस मतलब प्रेस करना, नहीं सेव हो जाएगा ना, ओके प्रेस करेंगे, ठीक है, ओके प्रेस करो। देखो यहाँ पर पहले है मॉडल 5 जो पहले सिलेक्ट किए थे, ठीक है, यहाँ पर फ्लाई स्काई 05 इसका नाम है, तुम अपना कुछ अलग नाम चेंज कर सकते हो, जैसे फ्लाई स्काई है तो मैं इसको क्या कर दूँ कि ठीक है फ्लाई स्काई कर ले क्या, ठीक है, मतलब इधर उधर ज़्यादा करना पड़े, मैं उतना नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है क्लाई स्काई ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका ये ट्रांसमीटर का नाम क्या हो गया, क्लाई स्काई, ठीक है, कैंसिल बटन को प्रेस किया ना, ये सेव हो गया, ठीक है। और इधर नेक्स्ट नीचे आओ डाउन करो, यहाँ पर टाइप सेलेक्ट है, टाइप सेलेक्ट ओके करो। इसमें क्या है कि देखो ये जो ट्रांसमीटर बनाया गया ना सिर्फ ड्रोन को लेकर के नहीं बनाया गया, इससे आप एरोप्लेन है वो बना सकते हैं, रोवर बना सकते हैं, ठीक है, और ये मतलब बना सकते हैं हेलीकॉप्टर वो भी बना सकते हैं। अगर इसको देखो, अगर यहाँ पर एरोप्लेन और ग्लाइडर दिख रहा है, ठीक है, एरोप्लेन और ग्लाइडर, अगर हम इसको डाउन करें, ठीक है, आप कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हेलीकॉप्टर फिक्स्ड पिच दिख रहा है, हेलीकॉप्टर वेरिएबल पिच, अपने से भी इसमें नाम डाल सकते हैं सर, ये इसमें नहीं डाल सकते ना, उसी मॉडल का नेम मॉडल में अपना क्यों चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मैं इस ट्रांसमीटर का यूज किसको उड़ाने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसे कुछ भी तो उड़ा सकता हूँ ना, मैं चाहूँ तो इसको हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ, एरोप्लेन ग्लाइडर उड़ा सकता हूँ, मैं रोवर बना सकता हूँ, तो मुझे चाहिए ड्रोन उड़ाना है, तो ड्रोन उड़ाने के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ड्रोन अगर आपको उड़ाना है तो आप लोग रखिएगा एरोप्लेन और ग्लाइडर, इसमें ड्रोन उड़ाते हैं हम लोग। और ये मैं इधर बता रहा था कि अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो हेलीकॉप्टर अगर बनाते हैं उसमें ट्रांसमीटर यूज हो सकता है पूरा से, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे इस मोड में मतलब इस टाइप सेलेक्ट में एरोप्लेन और ग्लाइडर रखने हैं, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है ना, ये चीज़ होगा, ठीक है। कैंसिल बटन को प्रेस किया रहना, ठीक है, टाइप सेलेक्ट हो गई। और ये मॉडल कॉपी है, नीचे आओ, मॉडल कॉपी, मॉडल कॉपी मैं नहीं करने वाला, इधर मॉडल कॉपी में क्या होगा ना कि ये जो अभी हमने मैं इस सेम ट्रांसमीटर को दो चीज़ों के लिए यूज करूँ, एक एरोप्लेन उड़ाने के लिए और एक रोवर उड़ाने रोवर चलाने के लिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैंने एक ही से दो काम कर सकता हूँ, बारह बारह एक समय नहीं, मोड पहले अलग अलग समय में हो सकता है, एक बार पहले मैं ठीक है एक और इसमें मैं बनाऊं उसका नाम दे दूं ब्लाई स्काई सपोज, और उसमें मैंने सेटअप ब्लाई स्काई में रखूं कि रोवर में हाँ रोवर में उससे चलाऊंगा और क्लाई स्काई से ये चलाऊं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और ये मॉडल कॉपी मतलब ये मैंने पहले वाले मॉडल जो क्लाई स्काई उसका मैंने कुछ सेटिंग में चाह रहा हूं अपना न्यू वाला मॉडल में कॉपी करने के लिए, वो चीज़ कर सकते हैं, मुझे उसे करना ही नहीं, मैं क्यों करूँ, ठीक है। मॉडल रिसेट मतलब मैंने अभी जो मॉडल बनाया उसको रिसेट मारो, ये तो समझते हो। यहाँ पर मेन चीज़ है ना आर एक्स सेटअप, ठीक है, आर एक्स सेटअप मतलब रिसीवर सेटअप सेटिंग, ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ अगर नहीं करते ना पूरा ड्रोन खत्म नहीं उड़ने वाला, ठीक है। इसमें आप लोग ओके प्रेस कर, देखो यही था AFS DS2A, ये है कम्युनिकेशन का मोड, एक और मोड होता है यहाँ पर, इसको अगर ओके करूँ तो एक और मोड होता है यहाँ पर, नहीं दिख रहा, ठीक है। इस मोड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम लोग कोई नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये कम्युनिकेशन मोड है, यही रहेगा। सबसे जरूरी है ना पीपीएम आउटपुट, पीपीएम आउटपुट सबसे नेसेसरी जो चीज़ है ये पीपीएम आउटपुट है, पूछो क्यों। यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखो पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, यहाँ पर हम लोग देखो कि हम लोग इसके 6 चैनल अलग अलग नहीं ट्रांसमिट करके हम लोग एक ही चैनल चैनल नंबर 1 पर जो कि पीपीएम सपोर्ट करता है, इससे हम लोग पिक्सो कंट्रोलर को
सिग्नल दे रहे हैं, रिसीव जो सिग्नल इधर ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीवर अपना रिसीव कर रहा है। मैं सभी छह चैनल का यूज ना करके मैं एक चैनल यूज कर रहा हूँ, चैनल नंबर जो कि वन है, और ये चैनल नंबर वन पीपीएम को सपोर्ट करता है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। मतलब ये एक ही चैनल यूज करके ये छह चैनल का सिग्नल दे सकता है, ठीक है। और ये पिक्सॉक का भी खासियत है कि ये एक ही चैनल यूज करके छह चैनल का सिग्नल, मतलब जितना ही ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करे सभी सिग्नल को ये रिसीव कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आप लोग देख रहे हो पीपीएम आउटपुट, इसको बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा। देखो ओके प्रेस कर रहे हैं हम, ये रिसीवर पीपीएम आउटपुट ऑफ है। अगर ये ऑफ है आप कुछ भी कर लो ये नहीं चलने वाला। इस चीज़ को मुझे क्या करना है, ऑन करने हैं, ठीक है। ऑन कर लिए, डाउन प्रेस करके एक बार कैंसिल बटन को प्रेस किए रहे, ये सिलेक्ट हो गया। बाकी कैंसिल बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा सेव करने के लिए, ठीक है। और ये नीचे है आरएक्स बैटरी, ठीक है, रिसीवर के बैटरी के बारे में है। अच्छा ठीक है, मैंने कैंसिल प्रेस किया तो ये पीछे एक बार आ गया, ठीक है, गलती से प्रेस कर दिया मैं। नीचे क्या था हम लोग, आरएक्स बैटरी पर था, ठीक है। इसको हम लोग ओके करते हैं, इसमें हम लोग अपना बैटरी के इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इसका बैटरी, ठीक है, लो वोल्टेज कितना होगा और अलार्म, मतलब इसका हाई वोल्टेज कितना होगा और वार्निंग हम कब देना चाहते हैं। मिनिमम वोल्टेज अगर आ जाए तो मैं चाहूँ कि ये जब डिस्चार्ज होने वाला है उस केस में, मतलब उस केस में इंडिकेट करे अलार्म कुछ बजे, उसका सेटअप हम कर सकते हैं। इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट रखने देते, इसको छेड़ते ही नहीं होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ है इधर फेल सेफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अभी हम लोग ऑफ रखेंगे, अभी मैं बता दूँ इसका मतलब क्या होता है। इसको एडवांस अगर हम लोग कैलिब्रेशन करें तब इसको यूज करते हैं। मैं ऐसा बांटा हुआ हूँ, ठीक है। तो फेल सेफ में क्या होगा, देखो चैनल वन, चैनल टू, चैनल वन से लेकर के सिक्स दिख रहा है। ये क्या होगा फेल सेफ का मतलब, कि अचानक ये जब डाउन हो जाए, मतलब ये अचानक आप ही बंद कर दिया, कोई लड़का आया मजाक में ये बंद कर दिया, तो दोनों ऊपर आकाश में तो नीचे अचानक गिर जाए, तो ये हम लोग इससे बता रहे होते हैं ना, चैनल अगर सबको इधर हम ऑन कर दें, ठीक है, तो ऑन कर दें तो ये फेल से इसको समझ में आ जाएगा कि अगर इतना, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जिसे मिनिमम ये है कि इसको टोटल डाउन है तो इतना सिग्नल इसको जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर है तो इतना सिग्नल जा रहा है, अगर ये सिग्नल इसको जाए ही नहीं, ठीक है, तो ये फेल सेफ मोड में चला जाए। ड्रोन अपना आराम से हम लोग ये मिशन प्लान के मदद से उसको बता देंगे कि जब फेल सेफ हो जाएगा, मतलब ये ट्रांसमीटर में कुछ भी एरर आ जाते हैं तो तुमको क्या करना है, अपने जहाँ से तुम लॉन्च हुआ था वहाँ आ जाना है, यही मैं बता रहा था, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ को नहीं छेड़ रहा, ठीक है, इस चीज़ को, लेकिन हम लोग छेड़ करके एक बार देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है, हटा दो। बाकी